नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों हम जिस व्यक्तित्व से आपको मिलाने जा रहे हैं वो है देश के जाने माने टीवी आर्टिस्ट अमर शर्मा। अमर शर्मा जी, आपका सिटी लाइव में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी मच दीपक भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। अमर, हमने आपको बालिका वधूम से देखने की शुरुआत की थी टीवी में, और एक अमर शर्मा की आदत सी बन गई हो टीवी में देखने की। तो अमर शर्मा, आप हमें बताइए कि आपकी जो टीवी की जर्नी है, जो शुरुआत है, वो कैसे हुई? दीपक जी, इसकी शुरुआत तो बचपन से ही, जो कहते हैं ना कि खून के अंदर होता है ये चीज, मतलब कहीं से ली नहीं जाती है, तो ये तो खून के अंदर ही था। मम्मी संगीत की टीचर थी, तो घर पे म्यूजिक बच्चे सीखने आते थे बचपन में, बहुत 2-3-4 साल का था तब, देखता था, तो एक माहौल सा था घर में। मतलब तो इस रंगमंच से, कला से तो बचपन से ही जुड़ा हुआ। फिर धीरे धीरे स्कूल के अंदर प्लेज, नाटक वगैरह करता रहता था, अपने एक मेरी हॉबी थी, मेरा शौक था। बस वो करते करते फिर जब कॉलेज में मैं बीकानेर आया, स्कूलिंग मेरी दिल्ली से हुई है, तो दिल्ली में मैंने जो है थिएटर वगैरह भी किया। मतलब पर्टिकुलर एनएसजी से नहीं जुड़ा मैं, लेकिन हाँ काफी थिएटर वगैरह मैंने जो ग्रुप्स होते हैं उनके साथ किया, और फिर उसके बाद बीकानेर आ गया, कॉलेज वहीं से किया, क्योंकि पापा की जो थी वो स्टेट बैंक में थे, तो ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो फिर बीकानेर ट्रांसफर हुआ। तो फिर उसके बाद बीकानेर से तो फिर आपके साथ जुड़ी गया था मैं शुरू से। आपने मेरे को देखा कॉलेज टाइम से बढ़ते हुए कि क्या म्यूजिक से रिलेटेड जो भी चीजें थी और कला से जो काम किया, तो जुड़ता गया, बढ़ता गया आगे कारोबार। जी जी अमर, बचपन से ही हमने देखा है कि आप लगातार संगीत से भी जुड़े रहे हैं और एक अच्छे सिंगर और एक अच्छे म्यूजिशियन भी आप रहे हैं। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे अभी, क्योंकि सभी लॉकडाउन की स्थिति में अपने अपने घरों पर हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अमर शर्मा की जो दिनचर्या है वो लॉकडाउन के समय कैसी रहती है? वैसे तो आपको समय मिल नहीं पाता है क्योंकि लगातार आप अपने टीवी सीरियल्स में और दूसरे काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अभी जब लॉकडाउन का समय है उस समय आपकी दिनचर्या क्या रहती है? भाभी जी को आप पहले तो समय दे नहीं पाते थे, लेकिन अब सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक उनके साथ समय गुजारना पड़ रहा है। क्या घर के कामकाज भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप? अच्छा, इसको बीच में एडिट कर सकते हैं अपन लोग? जी, आप लाइव चल रहा है, बताइए। अच्छा, लाइव चल, घबराइए, घबराइए मत, घबराइए मत, आप बताइए। नहीं देखिए, अकेले तो अकेलापन कभी वैसे महसूस कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि जब यहाँ स्ट्रगल टाइम में आया था मैं, तो कोई साथ नहीं था। पापा मम्मी बीकानेर जॉब कर रहे थे, वो लोग तो गवर्नमेंट जॉब थी उनकी, तो और तो कोई यहाँ साथ था नहीं, तो अकेला ही था। तो एक जो कलाकार है वो, मुझे लगता नहीं, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरी पर्सनल सोच है कि वो कभी अकेला नहीं होता है, कला उसके साथ रहती है। और म्यूजिक का शौक था तो कभी हारमोनियम पकड़ लिया, कभी अपना खुद ही वोकल का, जैसे आजकल काफी कराओके वगैरह सिस्टम जो आ रहा है, वो गा लिया, कर लिया, वो सब कुछ चलता रहता है। तो वो अकेलापन कभी महसूस वैसे हुआ नहीं, और लॉकडाउन के टाइम में भी मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं होता। हाँ, उल्टा कि अब मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा बिजी हो गया हूँ क्योंकि घर के काम करने पड़ रहे हैं, और अच्छी बात है, वो करना चाहिए, एक आदत सी अब दोबारा शुरू हो गई, क्योंकि अकेले रहते थे तो खुद ही करते थे। और उसके बाद जो है, यहाँ आने के बाद जो है, मेरा एक सबसे पहला जो सीरियल, जिसे एक माइलस्टोन मेरे लिए, मेरे करियर के लिए मैं कहूंगा, वो बालिका वधू था। वो 3 एपिसोड के लिए। हाँ जी, हाँ जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि बालिका वधू में आपकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से आपको ये सीरियल मिला, इसके पीछे कोई कहानी है या आपने कोई ऑडिशन दिया था, क्या इसके पीछे कहानी रही? जी जी जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए शायद, मुझे लगता है कि बहुत इंस्पायरिंग भी रहेगा। मैंने दिमाग में कभी सोचा नहीं था कि मैं बालिका वधू के लिए ऐसे सेलेक्ट हो जाऊंगा या ऐसा चलेगा, क्योंकि मैं ऑडिशंस तो मैं देता ही था, क्योंकि नया नया आया था फील्ड में। तो जहां भी, एक तो कभी मैंने किसी ऑडिशन को नहीं छोड़ा, जब भी मुझे जहां बुलाया गया वहां मैं पहुंचा, कभी आलस नहीं किया, नहीं यार आज मूड नहीं है, या आज एक जुनून था, एक एक पैशन था कि मुझे करना है, इस फील्ड में काम करना है।
तो मुझे उस वक्त 9X का एक शो था, 9X उस समय चैनल आया था नया नया, तो उसके दो शोज मेरे को मिले थे और एज अ पैरेलल लीड में दोनों शो को कर रहा था। एक कहानी हमारे महाभारत की, काफी बड़ा एक कैरेक्टर जरासंध का रोल इसमें प्ले कर रहा था, और एक 9X का एक और शो था वो मैं कर रहा था। इन बिटवीन मुझे बालिका वधू के लिए, मैंने जब बालिका वधू स्टार्ट होने वाला था उस समय एक ऑडिशन दिया था, तो वो उनके पास था, तो शायद उसको देख के उन्होंने मुझे बुलाया और कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने अप्रोच किया कि बालिका वधू हमारा शो आता है और क्या आप करना चाहेंगे। उस समय TRP जो थी उसकी 7-8 के करीब चल रही थी, जो कि जैसे बॉम्ब ब्लास्ट बोलते हैं वो था, तो मना करने का तो सवाल ही नहीं था पहली बात तो। और दूसरी बात, हाँ मैं यही सोच रहा था कि उन्होंने मुझे 2 एपिसोड्स के लिए बुलाया था, अब 2 एपिसोड्स के लिए मैंने कहा ये मैं एक 9X का शो कर रहा हूँ जिसमें 2 शो हैं और उसमें दोनों में ही एक मेजर कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और लेकिन ये बालिका वधू के लिए 2 एपिसोड्स के लिए मुझे करना चाहिए कि नहीं, मैंने मना कर दिया। वेरी फ्रैंक आपको बताऊं, क्योंकि छोटा काम समझ के मैंने इसे मना कर दिया था, क्योंकि मेरे ऑलरेडी चल रहे थे, मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं था, तो मैंने मना किया। लेकिन काफी बातचीत होने के बाद उन्होंने जो मेन जो स्पेयर ओरिजिन जिनका ये शो था उनके असिस्टेंट प्रोड्यूसर ने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझसे बात की और तब मैंने कहा कि चलो ठीक है यार, 2 एपिसोड्स के लिए काफी अच्छा कैरेक्टर है, प्ले कर लेता हूँ। वो 2 एपिसोड्स का जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया तो लकीली वो सबको इतना पसंद आया, मेरे प्रोड्यूसर्स को, मेरे पूरी टीम को और साथ साथ पब्लिक को बहुत पसंद आया वो जी, और वो निकल गया मेरे, वो जो दोनों शो कर रहा था बड़े वो दोनों बंद हो गए, लेकिन ये मेरे लिए माइलस्टोन रहा, वो 2 एपिसोड जो थे वो मैंने 5 साल किया। बिल्कुल अमर, इसीलिए कहते हैं कि शायद कोई भी काम जो होता है वो छोटा या बड़ा नहीं होता है, सिर्फ 2 एपिसोड के लिए आपको लिया गया, तो लगातार आपने इसमें करीब 5 से 6 सालों तक ये जो सीरियल बालिका वधू रहा है वो चला है, जिससे पूरे समाज में एक देश में एक राजस्थान की जो लहर है, राजस्थान की जो लहर है, जो बातचीत है, जो भाषा है राजस्थान की, उसको भी काफी सराहा गया। और उसके बाद कई ऐसे सीरियल्स आए हैं जिसमें राजस्थानी पुट के जो सीरियल्स हैं वो काफी हिट रहे हैं, और हमें ये जानकर और खुशी होती है कि अमर शर्मा जो है, ये भी हमने सुना है कि जब आप शूट के दौरान होते हैं तब मारवाड़ी भाषा वहां पर बोलते हैं, राजस्थानी भाषा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं। जी जी दीपक भाई साहब, मैं एक बात बहुत ही बेबाक तरीके से कहना चाहूंगा कि हमारी राजस्थानी भाषा जो है वो आज तक हमने उसको तवज्जो नहीं दी। मैं बिल्कुल बेबाक तरीके से बात कह सकता हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ पे लोगों को देखा है। मैं बॉम्बे से बीकानेर स्पेशली बाई ट्रेन सफर करना बहुत पसंद है मुझे, तो वहां पे ज्यादातर जो लोग अंदर पैसेंजर यात्रीगण जो प्रॉपर बीकानेर के भी है ना, वो हिंदी में अपने बच्चों से बात कर रहे होंगे या इंग्लिश के कुछ एक वर्ड्स हैं जो उनको बोल के, मतलब राजस्थानी शायद उनको ऐसा लगता है कि हम पिछड़े हुए, अगर राजस्थानी बोल लेंगे तो शायद हम पिछड़े हुए। ये एक तो मेंटेलिटी हमें हमारे दिमाग से निकालनी होगी, अगर हमें अपनी भाषा के प्रति थोड़ा सा सम्मान है और हम उसे अगर चाहते हैं कि मान्यता मिले, तो हमें सबसे पहले खुद को इस भाषा को रिस्पेक्ट देनी होगी, जो हम नहीं देते। बिल्कुल, क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ, आप मराठी लैंग्वेज में देखिए, आप मराठी लोगों को, आप यहाँ गुजराती लैंग्वेज को देखिए, जो गुजराती लोग हैं अगर उन्हें 1% जरा सा भी पता चलता है ना कि सामने वाला बंदा गुजराती है या मराठी है, इमीडिएटली वो उसी लैंग्वेज में बोलना शुरू कर देते हैं, इतना प्यार है उन्हें अपनी भाषा से। और हमें पता होता है कि ये राजस्थान से है, मैंने कई जगह राजस्थानी भाषा वाले बंदे से बोलने की कोशिश की तो वो अवॉइड करने की कोशिश करता है ना, तो उनको ये लगता है कि यार हम पिछड़े हुए हों, या पर आई डोंट नो क्या उनके दिमाग में होता, तो ये निकालना होगा। लेकिन अमर, मैं ई भाषा ने अवॉइड कणी गुनी कर रहा हूँ और लगातार ई भाषा में ही खासू, अगर 10-15 मिनट में बातचीत कर सकूं तो अपने जो राजस्थान लोग इस समय अपने देख रहा है, बियर ऑफ दिल की बाग बाग हो जैसी, और थे इस समय मुंबई बैठा हो और मुंबई बैठे बैठे थे लगातार बैठे स्टूडियो रे मायने भी, और जिका भी लोग बैठे मिले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में भी राजस्थान रहा है और बड़ा बड़ा व्यवसायी भी महाराष्ट्र में जो है राजस्थान रहा है, वह राजस्थानी बोलने में संकुचा अभियान शर्म महसूस हो गए, तो अमर शर्मा ने राजस्थानी बोलने में किया महसूस हुआ है, क्योंकि लगातार अमर शर्मा राजस्थानी भाषा रो भी सपोर्ट जो है लगातार कर रहे हैं। देखिए भाषा, मैंने तो बहुत हमारी भाषा पर घमंड है, गुरूर है, क्योंकि एक ऐसी भाषा है कि इरी मिठास ही अलग है,
आप दूसरी लैंग्वेज कोई भी ले लो, आप देख लो, कोई मैं बुराई दूसरी लैंग्वेज की कोई नहीं करूं, बट अपनी जी की लैंग्वेज है भी, मैं एक जो को एक शान कहवे नहीं, राजस्थानी एक राजपुताना शान जी को मेवाड़ी शान आप कह सका, ये लैंग्वेज के अलावा और कटे है ही कौन। और दूसरी बात है, मैं तो मौको मिलते हैं, मैं तो आपने था ही है कि मैं तो शुरू हो जाऊं मारवाड़ी, अपने कोई शर्म का नहीं भाई, मन तो बहुत खुशी हुआ, मन तो अच्छा लगे। आप एक अपनापन जो है नहीं, भाईचारो एक दिखे रे मैं कि हाँ मारे घर कोई आदमी आयो है, कोई इंसान है वीर बिरसात में, फिर कहाँ हिंदी है या इंग्लिश कहाँ खातर बोलना, जो मारवाड़ी समझ आवे, मैं तो जिके नहीं समझ आवे बोली नहीं, मैं बिरसात में मारवाड़ी बोलू क्योंकि समझे तो है नहीं वो, तो भाई समझ अब नहीं आवे बात हारी प्रॉब्लम है, मैं तो भाई मारवाड़ी बोल है। और मारवाड़ी भाषा इसी दोरी भी कोनी कि बिने समझण वास्ते बहुत दिमाग लगानो पड़े, बहुत ही प्यार भरी और शांत भरी जो भाषा है, बिकी भाषा में एक माने बहुत ही अच्छी दो लाइनें याद आ रही है राजस्थान भी कि घरा याद माने अब धीरे धीरे वापस क्यों थोड़ा सा बातचीत करूं जने दिमाग उतरगी। बहुत बढ़िया माने दो लाइने है कि दो नैना मत खाइयो माने पिया मिलन रियास, ऐसे कोई एक गानो भी है अभी रूपक बहुत सागिडो जी ने कहा वहां पर राजस्थानी सागिडो है। और अबर क्यों जयपुर में मुंबई में और जयपुर में पूरे देश में अपने लॉकडाउन चल रहे हैं तो राजस्थानी गाना भी थे गाओ थे बढ़िया सिंगर भी हो एक, तो हमारे दर्शक चाहे कि कोई राजस्थानी दो लाइने अगर सुनाए दो तो, और मेरे बाद में अपन डायलॉग तो सुन सो ही जरूर, डायलॉग बिना मैं जाऊँ था कौन खाने, और एक बार मैं जाऊँ तो कोई राजस्थानी गाने री दो लाइनिया हमारे दर्शकों ने सुनाओ। हाँ बिल्कुल सुना सु। और रही बात कोरोना री जिकी पूरो देश अपनो जो है देश क्यों पूरो पूरी दुनिया जिकी है बस जी इन्हें सफर कर रही है वास्ते भी बोल सो, पहले आपने गानो सुनाओ एक छोटो दो लाइन सुना सो तो जी मैंने भी अच्छा लाग सी आपने भी सुन में अच्छा लाग सी देखो। बिल्कुल बिल्कुल। जंगल मंगल देश माने प्यारो लागे सा, जंगल मंगल देश माने प्यारो लागे सा, अबे लाइन आगे बन ध्यान को नहीं, दो लाइन मैंने याद है बहुत सुनायो, नहीं नहीं दो लाइनें में जी सुरो कराई दियो। थैंक यू वेरी मच। अब मैं कोरोना वास्ते सबसे पहले हाँ आप प्लीज प्लीज जी अब नहीं 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 बिल्कुल कोरोना वास्ते बताओ, लोग इंतजार भी कर रहे हैं घर बैठे बैठे इस समय जो कोरोना वास्ते कहना चाहूँ कि देखो नवरात्रा चल रहे है, माता रानी रो आशीर्वाद तो है ही अपने भारत माता रे ऊपर स्पेशली और अपने राजस्थान ऊपर तो विशेष विशेष हाथ है माता रानी रो, पर भगवान भी बिहारी हेल्प करे जिको इंसान आप री हेल्प पहला खुद करे, आपा सोचला माता रानी हेल्प कर सी की को नहीं वह सड़क पर निकल गया मुंडो उठा तो भाई ताना कोई कौन बचा सके, आ एक इसी बीमारी है इरो कोई इलाज को नहीं, सिर्फ एक इलाज है घर बैठो शांति सु आपरे परिवार तू मिलन जुलन रहो, बहुत बढ़िया एक मौको आयो है, शायद फिर कभी इसो मौको भगवान ना देवे भैया तो, पर वो मौको है तो अपने परिवार में एक साथ है बैठो, जी मोबाइल डा है जिको टाइम पूरा परिवार खा गया है तो भी ने रखो साइड में थोड़ा बहुत सागे बैठ बात करो एक दूसरे के बारे में जानो, मारे ख्याल तू आधो टाइम आध जिंदगी रो आधो टाइम तो आप मोबाइल में निकाल देवा, तो परिवार में ध्यान ही कोनी कहीं है कहीं नहीं चले, बच्चा कद छोटा बड्डा हो गया था ही कौन चले भाई, बच्चा तो भी मोबाइल की बीमारी हटाओ और आपस में एक दूसरे ने टाइम दो, तो टाइम तो पता ही को लग गया था 15 दिन 14 तारीख तक तो लॉकडाउन है बीमारी से बच्चे रहसा और परिवार रो भी आनंद उठा सा, बताओ आप तो सुखी था रोने की जरूरत ही को नहीं, अरे लॉकडाउन लॉकडाउन लोगों ने रोता देखो मैं तो हैरान हूँ, अरे भाई आपने टाइम मिल गया बैठो नहीं घर में शांति तो, आप सरकार ने पूछ रहे हो सरकार क्या कर रही है सरकार, अरे भाई आप कहीं कर रहे हो खुद रे वास्ते आप बताओ, आप कर रहे हो भूखा नंगा वास्ते सरकार कहीं कर रही है भाई, आप देखो नहीं कि आप रे आसपास भूखा नंगा जी का है जी का भूखा आपने ध्यान मिला आप आसपास है ए लोग भूखा है तो यार खैर खुद खानो खा रहे हो, दो रोटियां भी दे दो यार, सरकार आप कान मुस्तैदी से कर रही है पर आप तो साथ देवा भी यार अपने खुद रो साथ दे लो वित्त ही घणो है। बिल्कुल सारी चीज जो है हमको सरकार के ऊपर नहीं डालनी चाहिए और हमारा खुद का भी कर्तव्य है कि हम समाज के लिए हम हमारे परिवार के लिए
हम हमारे देश के लिए कुछ ना करें, अगर हम थोड़ा सा भी योगदान हमारे देश के लिए दे देते हैं तो एक बहुत ही गर्व का विषय होता है, बहुत ही गर्व की ये बात होती है। और देखिए जब आप घर पर बैठे हैं, हम घर पर बैठे हैं, जो कि क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं वो भी काफी व्यस्त रहते हैं, और जो पत्रकारिता के क्षेत्र में है, जो मीडिया के क्षेत्र में है, वो भी सारे व्यस्त रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप और हम सभी घरों पर बैठे हुए हैं, लॉकडाउन करके बैठे हुए हैं, क्योंकि इससे हमारे देश को फायदा होगा, आपको फायदा होगा और कोरोना से हम बच सकते हैं। यहाँ पर अमर, मैं एक और, जब हमारी बचपन की बात चली है तो एक और मैं किस्सा आपसे जानना चाहूंगा। आपको याद हो कि एक बार कार्यक्रम के दौरान जब टमाटर फेंके गए थे, वो क्या कहानी थी? मुझे याद आ गई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे इस समय जो एंजॉय कर रहे हैं, सीधा प्रसारण मुंबई से और जयपुर से हमें देख रहे हैं, तो वो क्या किस्सा रहा था, आप हमारे दर्शकों को बताइए। वो नया नया स्कूल फिनिश हुआ था मेरा, और आपके भरोसे मैंने म्यूजिक का पूरा प्रोग्राम कॉलेज का मैंने ही लिया था। वेलकम प्रोग्राम था वो फर्स्ट ईयर वालों का वेलकम का प्रोग्राम था, और आप तो म्यूजिक में आपका तो विशेष योगदान, अच्छे ड्रमर, बहुत बढ़िया ड्रमर थे आप, बहुत अच्छा ड्रम भी बजाते थे आप, और गाना तो खैर गाते ही थे। तो मैंने आप सारा जो था आप ही के भरोसे ले लिया था, और आपने कहा था तू चिंता मत कर, तू ले ले कर, हम संभाल लेंगे सारा। तो मैंने जोर से कर लिया, तो प्रोग्राम चल रहा था, तो सीनियर्स में आपस में कोई रंजिश होगी, कोई आपस में बातचीत, कोई लड़ाई झगड़े, कॉलेज में तो यही होता ना, थोड़ा बहुत वो बचकानी बातों पर रंजिश है, कुछ ना कुछ बातें होती रहती है। तो उन्होंने ये सोचा हुआ था कि जो सीनियर जो गाना गाने आएगा उसको जो उसके अपोजिट जो ओपोजिशन वाले थे वो उसका सत्कार टमाटरों से करेंगे। तो आप ड्रम बजा रहे थे, मैं पीछे वो सिंथेसाइजर बजा रहा था, और पूरी पूरा म्यूजिक का पूरा अपना वो साथ में बैठा था, लेकिन आगे जो सीनियर गाना जो जिन्होंने शुरू, अभी दो लाइनें की थी शायद उस समय, आपको भी याद हो, तो दो लाइन शुरू हुआ, इतने में टमाटर आने शुरू हुए, दो तीन मुझे भी पड़े, शायद आपको भी पड़े थे टमाटर। तो आपने उस समय भी अपना मजाक के अंदाज नहीं छोड़ा था, और टमाटर उठा के मुझे दिखाते हुए, अमर ओ कहीं अरे यार ए कहीं हो रहा था रे कॉलेज में। तो, तो वो मैं खुद भी नहीं समझ पाया था ये क्या हो रहा है, तो ये बाद में पता चला कि वो ये कांड हुआ था। तो उस कॉलेज आपके साथ तो बहुत कुछ कांड हुए थे वहां पर मेरे वाले में, तो, तो ये चलता रहता है। चलिए अमर, देखिए हम अभी आपके और आने वाले टीवी सीरियल्स की बात करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि आप एक गाना बहुत अच्छा गाते थे और अक्सर हमारे प्रोग्राम में आप सुनाया करते थे, ये काली काली आंखें ये गोरे गोरे गाल। अगर आप इस समय वो गोरे गोरे गाल और वो काली काली आंखों का जिक्र कर देंगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली सुनाऊंगा। ये काली काली आंखें ये गोरे गोरे गाल ये तीखी तीखी नजरें ये हिरनी जैसी चाल देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल। ये काली काली आंखें ये गोरे गोरे गाल। क्या बात है, आज भी वो सुरीला अंदाज आपका जो है बरकरार है, और हम उम्मीद करते हैं कि लगातार ये सुरीला अंदाज और ये आपकी जो अदाकारी है वो लगातार हम लोगों को देखने को मिले, देश और दुनिया को देखने को मिले। अमर मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जरासंध का जो रोल किया था जी, क्योंकि उस समय एक ये था कि धार्मिक जो धारावाहिक होते थे उसमें लोग कम इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन रामायण महाभारत के बाद लोगों का इंटरेस्ट इसमें काफी बढ़ गया था। तो आपको जब जरासंध का रोल मिला तो आपको कैसा महसूस हुआ, क्योंकि लगता है लोगों की ये होता है कि लगातार वो उसको पहले राम का रोल मिलना चाहिए या कृष्ण का रोल मिलना चाहिए, आपको जरासंध जैसा जबरदस्त रोल मिला, उसके पीछे आपको किस तरह का महसूस हुआ, क्या लगता? दीपक भाई साहब, मैं जब इंडस्ट्री में भी एंटर हुआ था तो ये सोच के एंटर नहीं हुआ था कि मुझे कुछ मेन हीरो ही बनना है या कुछ लीड भी करना है कुछ, एक ये जो नए लोग भी आने वाले हैं जो चाहते हैं वो भी एक अपने दिमाग में ये बना के गांठ बांध के रखना कि अभिनय जो होती है उसमें कोई उसमें तराजू नहीं होता है कि ये मेन लीड है, ये डेली सोप के अंदर जो आजकल जो चल रहा है ना वो बहुत ही गलत सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मांसा जो थी वो 70 साल की 65 साल की थी,
और वो मेन लीड थी बालिका वधू की, तो है ना, आनंदी वगैरह सब बाद में, वो को स्टार थे, वो सपोर्टिंग आर्टिस्ट थे, मेन लीड जो थी वो मासा ही थी। तो जो लीड जो होता है वो अपने काम से आदमी बनता है, वो किसी कहने से ये लीड है ये वो है नहीं, लोग अपने आप बोलेंगे भाई आपका इंतजार कर रहे हैं ना, तो आप लीड हो उस शो के। तो जरासन जो था वो बहुत ही किसका अमर भाई का, जी तो हाँ, तो वो जरासंध का जो रोल था वो जब मुझे मिला उस वक्त मैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के साथ एक शो कर रहा था, तो सूर्य पुराण उसका नाम था, और हम डुंडलोद में, राजस्थान के डुंडलोद में शूट कर रहे थे इसका। तो मैंने उनको भी बताया चंद्र प्रकाश जी को कि मेरे को ये शो मिला, तो बहुत बधाई दी उन्होंने, बहुत खुश हुए और बोले कि तू उसे बहुत अच्छी तरीके से उस तरीके से करना, ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो एक बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही लंबा चौड़ा तगड़ा था, तो वो एटीट्यूड उनसे बहुत कुछ सीखा मैं चंद्र प्रकाश जी से, करीब एक महीने तक उनके साथ शो किया था मैंने वो। तो उसकी शुरुआती दौर की जो शूटिंग थी वो पूरी की पूरी जयपुर में हुई थी हम लोगों के, तो 15-20 दिन मैं जयपुर में ही था, इसकी शूट किया हम लोगों ने वहां पर अपने एक तो जयपुर के पास ही है कुछ, एक तो जहां अपने नमक होता है जो कौन सी, सांभर, सांभर में एक तो सांभर झील, वहां पर उस समय बहुत गर्मियों का टाइम था और झील सूखी हुई थी, तो वहां पर पैर रखते थे तो कड़क कड़क की आवाज आती थी, यानी कि उतनी जमीन कड़क थी वहां की, उसमें पूरा दिन दोपहर में गर्मी में काम करना ये वो तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमने बहुत इंजॉय के साथ उस काम को किया। और ये बात अलग है कि वो चैनल बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया, लेकिन हमने वो जब शो किया तो बहुत अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स आया, बस एक कमी ये रह गई थी उसकी कि एकता कपूर जी ने कुछ ज्यादा ही उसके साथ छेड़छाड़ कर लिया, हिस्टोरिकल जो एक चीज के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, तो कुछ पहनावे को लेके या कैरेक्टर्स को लेके थोड़ा बहुत जो किया था तो लोगों को पसंद नहीं आया, विरुद्ध तो हाँ उसके उनके विरुद्ध थोड़ा चला, तो फिर वो नहीं चला, लोगों का रिस्पॉन्स कोई बहुत कमाल का नहीं, लेकिन हाँ लोगों ने पसंद किया। अगर उसका नाम महाभारत नहीं रखे कुछ और रखते तो शायद वो बहुत अच्छा चलता शो। पर ये भी जानना चाहते हैं क्योंकि आप काफी सपोर्टिव कलाकार रहे हैं और लोगों का वैसे भी आप सपोर्ट करते हैं, और जो इस समय आपके राजस्थान में भी और पूरे देश में कई युवा जो लड़के लड़कियां हैं जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या सपोर्ट करना चाहेंगे, क्या उनको कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी हम जो देश के जाने माने राइटर हैं पूर्णेंदु शेखर जी, उनका भी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने अमर शर्मा की काफी तारीफ की, उन्होंने कहा कि जब बालिका वधू की जो स्क्रिप्ट थी उसमें राजस्थानी भाषा को लेकर अमर शर्मा ने काफी सपोर्ट किया था उस स्क्रिप्ट को लेकर, तो आपका काफी सपोर्टिव नेचर रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे युवा? मैं अपने राजस्थान के युवाओं से जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं एक्टिंग क्षेत्र में, तो उनसे ये सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि शिद्दत से करो, कोई बुरी चीज नहीं है। आज का टाइम हमारे टाइम के अंदर जब दीपक भाई साहब हम लोग जब कॉलेज में थे, मैं कॉलेज में था, तो उस समय ऐसा कोई बढ़िया बड़ा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं था कि हम अपने आप को उसमें दिखा सकें या कर सकें एक स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर, लेकिन अब तो बहुत अच्छे अच्छे जो है वो प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं जहां आप अपने अपना प्रोडक्शन अपना टैलेंट को दिखा सकते हैं। इस फील्ड में आने से पहले जो है प्रिपरेशन जिसे कहते हैं ना पेपर वर्क, वो होना बहुत जरूरी है। जैसे दूसरे कॉम्पिटिशन देने के लिए सीधा ही नहीं चले जाते हैं, हम तैयारी करके जाते हैं, वैसे ही इस क्षेत्र में भी आना है तो पूरी तैयारी के साथ सबसे पहले। दूसरी बात, अपने माँ बाप अपने पेरेंट्स के अपने अपर माता ने परेशान दुखी कर नहीं आना,
क्योंकि उनका आशीर्वाद अगर आपके साथ है तब तब उसके बाद आपको सफलता मिलती है तो उसका मजा ही कुछ और होता है। और दूसरी बात यह कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, सोच छोटी बड़ी होती है, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, तो छोटे काम से ही बड़ा काम होता है। मैंने शुरुआती दौर के अंदर थोड़े बहुत जो शोज किए वो छोटे छोटे रोल किए उसके अंदर, लेकिन टारगेट मेरा यही था कि हो सकता है कोई आदमी, कोई इंसान, कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर देख रहा है तो हो सकता है कुछ बड़ा काम मिल जाए इसी से, तो इसको बड़े शिद्दत से बड़े दिल से करना है मुझे। तो शुरू दिन से ही मैंने हमेशा दिल से काम किया, ईमानदारी से काम किया। मैं पैसा ले रहा हूँ तो काम भी ईमानदारी से ही करता हूँ, बाद में रोना पीटना नहीं रहता, अरे यार कम पैसे दिए, इतना काम कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो वो अपने खुद को काम को हम गाली दे रहे हैं। एक बार बात हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया, अब काम को एक्सेप्ट कर लिया, अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, उसके बाद पूरी शिद्दत के साथ उस कैरेक्टर में खो जाना चाहिए, उसके ऊपर वर्कआउट होना चाहिए, अपने दिमाग में वो चीज चलती रहनी चाहिए। तो ये मैं अपने जो नए दोस्त जो आना चाहते हैं उनको ये कहना चाहूंगा। जी अमर शर्मा के काफी फैंस हैं, अमर शर्मा किसका फैन? मैं तो सबका ही फैन हूँ सर, मैं तो भाई साहब आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको मैं शुरुआती दौर से मैं आपको देख रहा हूँ, आपने जो संघर्ष किए हैं, आपने जो मेहनत की है, आप भी एक, आपसे भी हर कोई कोई भी इंस्पायर हो सकता है, जो जो आपने बीकानेर के अंदर शुरुआती दौर के अंदर रेडियो स्टेशन में भी आपने किया सर, आपने बहुत बहुत कुछ किया आपने, तो इंस्पिरेशन तो कहीं भी ले सकते हैं, जहां कुछ अच्छी चीज आपको दिख रही है, जो आप देख रहे हैं कि कोई इंसान कितनी मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, आप जिस मकाम पर हैं वो मुझे नहीं लगता कि हर कोई इंसान इतनी आसानी से वहां तक जा सकता है। लगता है कि बड़ी आसानी से सब कुछ है, इतना आसान नहीं है, हर चीज के पीछे बहुत मेहनत लगी होती है, बहुत ईमानदारी से मेहनत की हुई होती है, और अपना जो समय जो होता है वो दिया, कीमती समय दिया हुआ होता है, तब जाके इंसान वहां तक पहुंचता है जहां आज दीपक भाई है। तो इंस्पिरेशन तो मैं सभी से, अपने आसपास के जो मेरे अपने हैं उन सभी से मैं इंस्पायर हूँ, और उनको अपने सामने रखता हूँ हमेशा कि भाई वो मेहनत करके इतना अच्छा कर रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा कुछ तो कर लेना चाहिए। निश्चित तौर पर अमर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने कई टीवी सीरियल्स किए हैं, बहुत से अलग अलग टीवी सीरियल्स किए हैं, चाहे राजस्थानी हो, चाहे हिंदी के हों, चाहे धार्मिक हो, चाहे पारिवारिक हो, आपका सबसे बेहतर जो डायलॉग है वो कौन सा डायलॉग है, और वो डायलॉग हमारे जो दर्शक हैं वो इस समय आपसे सुनना जरूर चाहेंगे? बेशक, मेरा तो एक जो शो बालिका वधु जो मेरे लिए सबसे बड़ा माइलस्टोन था, जिसमें मुझे एक सौभाग्य मिला अपनी राजस्थानी लैंग्वेज को एक इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट करने का, तो और उसको मैंने बहुत बखूबी से बुनाया भी उस मारवाड़ी को, क्योंकि मैं शुरू, मेरे बचपन से एक शौक था कि मैं ऑब्जर्वेशन बहुत करता था कि कहाँ क्या चल रहा है, कौन कैसे बोल रहा है, बड़े बुजुर्ग जो बोलते थे कैसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं उनकी नकलें उतारा करता था। और बालिका वधु में वही एक कैरेक्टर शायद जो एक गांव देहात का बंदा, वो मेरे दिमाग के अंदर आ गया, और एक मेरे जो कई फ्रेंड्स जो थे वो राजपूत भी हैं, राजपूती घराने से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके घर भी जाता था, तो उनके बड़े बुजुर्ग का एक जो रवाब होता था, मतलब 80 साल के भी हैं उसके बावजूद भी जो रवाब है, एक जो एक वो चीज कहीं ना कहीं मैं उनको नोटिस करता था, तो वो चीज मैं इस कैरेक्टर में लेके आया और शायद लोगों को बहुत पसंद आया। वो उसी में एक डायलॉग था वो जो मासा के साथ काफी लड़ाइयां वड़ाइयां होती रहती थी मेरी, तो वो डायलॉग मैं जरूर आपको, अगर आप अनुमति देंगे तो मैं सुनाता हूँ आपको। अरे बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, सुनाइए। तो मासा आती है मेरे घर पे, जब श्यामला जो है वो मेरा घर छोड़ के सुगुना के साथ मासा के घर में रह रहा है, तो मासा कहती है कि अब सब लड़ाई झगड़े छोड़ दो और राजीनामा जो है ना उस पे साइन करके सब बात रफा दफा कर दो और वापस फिर हमारा खानदान जुड़ जाए। तब मैं मासा से थोड़ा गुस्सा हूँ और उनसे बोलता हूँ, कौन से राजीनामे की बात कर रहे हैं आप, है कौन सा राजीनामा? इस गांव में इज्जत मैंने खोई है, अपने छोरे को मैंने खोया है, अब इन सब बातों को भुला के अरे राजीनामे पर हस्ताक्षर करके गंगा जी में बैठ जाऊं ना मुडो उर? बहुत बोल लिया आपने, बहुत सुन लिया मैंने, बोरियो बांडो निकलो यहां से, थम्मा गणी। बहुत खूब बहुत खूब।
मजा आ गया। तो अमर भाई आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते जो इस समय आपको दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे लॉकडाउन के लिए, क्या कहना चाहेंगे अपने जीवन को सफल बनाने के लिए? सबसे पहले तो देखिए, जीवन को सफल बनाने के लिए अभी तो मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूं कि मैं आप सबको ये अपने जो दर्शक गण है उनको ये बता सकूं कि अपना जीवन सफल कैसे बना सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर हमारी सोच अच्छी है तो, और किसी काम को अच्छी सोच के साथ करते हैं, एक दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी ही। इसमें कोई दोराय, कोई संशय नहीं होना चाहिए, किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप सबको एक खुशखबरी में अपनी तरफ से ही पहली बार आपके ही चैनल पे आप सबको बता रहा हूं कि मैं अभी हालिया में मैंने एक फिल्म साइन की है करण जौहर की, उसका नाम है तख्त, जिसमें कास्ट है अपने रणवीर सिंह, विक्की कौशल, करिश्मा कपूर, अनिल कपूर, जानवी कपूर, ये सब एक कास्ट है। और उसमें मैं एक राजा छत्रसाल जो बूंदी के राजा थे उसका कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। काफी अच्छा और बड़ा कैरेक्टर है। तो शूटिंग जब शुरू होगी तब होगी, लेकिन जब भी फिल्म आए तो आपका आशीर्वाद चाहिए सबका उसके ऊपर। और दूसरा ये कहूंगा कि कोरोना जो वायरस है वो कोई ऐसा, उससे डरने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है। कोरोना से भी बड़ी बड़ी विपदाएं हम लोग झेल चुके हैं। हिंदुस्तान जो है एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही एक यहाँ की मिट्टी में इतना वो जोश है कि कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन हाँ, हमें प्रिकॉशन रखना, हमें सावधानी रखनी है कि कोरोना एक, जब तक इसका बताया जाता है, जब गवर्नमेंट बोल रही है, बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं बाहर नहीं निकलो, डॉक्टर लोग कह रहे हैं, तो नहीं निकलना चाहिए। अपना बचाव है सबसे बड़ा, ये कि घर से बाहर निकले ही ना जब तक कि बहुत काम की कोई अर्जेंट कुछ ऐसा काम ना हो। बाकी मैं अपने देश के सैनिकों का, अपने देश की पुलिस का, अपने देश के रिपोर्टर्स का, जो जर्नलिस्ट हैं, आप सब लोग जैसे हैं, आप सबको मैं बहुत सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं कि ऐसी विपदा में भी आप सब लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आप अपनी जान जोखिम में डाल के, और जो रिपोर्ट्स हैं बाहर क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो जागरूक कर रहे हैं आप लोगों को। तो आपको सलाम है इस चीज के लिए। और बाकी जनता के लिए ये कहूंगा कि आप सहयोग करें, आप अपना खुद का ही सहयोग करें, दूसरों का मत करें, खुद का करें। और अपने आसपास जो भूखे नंगे, जो गरीब हैं, लाचार हैं, जानवर हैं, जैसे डॉग्स वगैरह हैं, छोटे कुकरिये हैं, इनको बेचारों को खाना पीना कुछ कर दो आसपास के लोगों को। बाकी बस फिर तो कोरोना फोरोना सब बाहर जैसी डरने जरूरत को नहीं, बस थोड़ा सा बचाव रखो और सचेत रहो, बस जागरूक नागरिक बन जाओ, क्यों कौन भी गड़े नहीं अपन। बिल्कुल, धन्यवाद बहुत बहुत अमर शर्मा। और तख्त आने वाली आपकी फिल्म और आपकी पूरी टीम को अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई कि वो बहुत सफल हो, और आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद साहब, खम्मा गणी, थैंक यू।